नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है पेज नंबर 18 पे ही, इसको हम देख लेते हैं यहाँ से। पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, पहले आपने इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद सेपरेट करने हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 को हमने अंदर रखा, 9 को हमने बाहर रखा, इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 छोटा है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ऊपर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो 9 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सूटेबल नंबर है। जब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 8 आपके पास 72 इसका सूटेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ले लेंगे 72। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 7 और जब 10 में से आपको माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 8। फिर आपको यहाँ से ऊपर से 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पास छोटा हो गया 8, तो फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन आ जाएगा 9 8 72। इसी तरह फिर आप इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 8। 8 बजने के बाद अगेन आप क्या करेंगे, ऊपर से 1 0 उतार लेंगे तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, 80। इसी तरह देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट ही होता जाएगा। तो हम इसको इसी तरह कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 8। अब हम इसको देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/9 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0.888। एंड इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 0.88 के ऊपर आप बार लगा दें, इट्स मीन के 8 आपके पास रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग है ये हमारे पास क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास अगेन अगेन रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल।